Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So hey guys, welcome to my channel. तो आज हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स की. बेसिकली बायो फर्टिलाइजर को पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन आता है कि बायो फर्टिलाइज़र होती क्या है. तो जैसा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बायो फर्टिलाइजर्स, राइट. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको दो टुकड़ों में ब्रेक कर लीजिए, राइट. फर्स्ट वन इज़ बायो एंड सेकेंड वन इज़ फर्टिलाइजर्स. इसका मतलब ये होता है, एक जो लिविंग बायो मतलब लिविंग फर्टिलाइजर्स जो वो होते हैं जो फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं. तो बायो फर्टिलाइज़र मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ ऐसी लिविंग होती है जो कि हमारे जो हमारा प्लांट्स होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं तो उनकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. और अब ये देखते हैं कि आखिर हम इनका यूज़ क्यों करते हैं. आखिर जैसे कि क्या होता है, जब भी कोई भी प्लांट्स होते हैं, कोई भी लैंड्स होते हैं, मतलब हमारा जब पेड़ पौधे अच्छे नहीं आते हैं, उसमें फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती, कोई भी फसल अच्छी तैयार नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी के लिए हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. बेसिकली इसका मतलब यही होता है, इसका प्रिंसिपल यही है. सो लेट्स सी, अ बायो फर्टिलाइज़र इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैन अप्लाई टू सीड प्लांट सर्फेसिस और सॉयल कॉलोनाइज द राइजोस्फीयर और द इंटीरियर ऑफ द प्लांट एंड प्रमोट्स ग्रो बाई इंक्रीजिंग द सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स टू द होस्ट प्लांट. और तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, और जो कि हम प्लांट्स को दिया जाता है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, इसका मतलब यही है. अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स दैट आर माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट ऑफ बैक्टीरिया एल्गी एंड फंजाई विच मे हेल्प बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्लांट्स. दे हेल्प बिल्ड अप द सॉयल माइक्रो फ्लोरा एंड देयर एंड थ्री बाय द सॉयल हेल्थ. बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली हम इसमें बायो फर्टिलाइजर्स में ये भी होता है कि हम माइक्रोब्स का भी यूज करते हैं, एल्गी का यूज करते हैं और फंजाई का भी यूज कर लेते हैं, और जो कि हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें हेल्प करता है प्लांट्स में, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है फ्रॉम जो इन्वायरमेंट से उसके रूट में जाके फिक्स करने का. अब देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के. तो बायो फर्टिलाइजर्स में हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, फंजाई का भी यूज कर लेते हैं, एल्गी का भी यूज करते हैं, एक्वेटिक फर्न का यूज करते हैं, अर्थवॉर्म्स का यूज करते हैं. तो इन सारी चीज़ों का हम यूज बायो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में हम किस तरह की, कौन से बैक्टीरिया यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम एजो स्पायरुलम स्पीसीज, और दूसरा है जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, इसका एग्जांपल होता है एजोटोबैक्टर, क्लेबिसिल्ला एट्सेट्रा. अगर हम एल्गी की बात करें बायो फर्टिलाइजर्स में, तो बीजी है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इन एसोसिएशन विद एचोला, और सेकेंड वन इज़ योर एनाबिना नॉस्टॉक होता है और ओसिलाटोरिया भी है. फंगल बायो फर्टिलाइजर्स की हम बात करें तो VAM होता है. तो ये सारी चीज़ें होंगी, अर्थवॉर्म का भी यूज कर सकते हैं हम इसमें. तो आई थिंक आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको बायो फर्टिलाइजर्स का जो प्रिंसिपल है उसका ओवरव्यू है वो आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसका वीडियो एक डिटेल में बना दूँगी. ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच.